Am I audible, guys? Yes, sir. Go through your last lecture notes, beta. If you have any doubts, you ask. Sir, word fitting gap, sir, property chalo ke. प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे राइट बेटा? हाँ सर, प्रॉपर्टी चालू किए थे तो प्रॉपर्टी में मिडल क्राफ्ट असाइनेशन तक हो गया। हाँ ठीक है, समझ गया। चलिए लिखिएगा ऑक्सीडेशन, देख लेना बेटा ये किया कि नहीं आप, हाँ अपने नोट्स में। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में बेसिकली तीन रिएक्शंस हैं। एक तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन, ये आपने बेंजीन चूज किया एयर में V2O5 की प्रेजेंस में करीब 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनता है मैलेइक एनहाइड्राइड। इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। डन बेटा, बुकलेट लाए बेटा? बुकलेट है? हाँ सर लाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बुकलेट है? ओके चलो, अब इसमें दूसरा ऑक्सीडेशन करते हैं एल्काइल बेंजीन का। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, मेनली टोलुइन पढ़ते हैं हम लोग, बट फिर भी एल्काइल बेंजीन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि जो एल्केन्स होते हैं या एल्काइल, इनका ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है। एल्केन्स के केस में अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एल्केन्स में ये टर्शरी एच अवेलेबल है, ये एच एच कनेक्टेड टू टर्शरी कार्बन, तो उसको KMnO4 में जब डालते हैं तो ये जो एच है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय OH। तो एल्केन्स का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है, उसी तरह बेंजीन के केस में भी। एल्काइल बेंजीन एक स्पेशल केस है हमारे लिए। एल्काइल बेंजीन में आई कैन टेक टोलुइन, आई कैन टेक इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन और वॉट एवर द लेंथ ऑफ एल्काइल, कोई भी आप इसमें लेंथ ले लो, ठीक है, इनमें से कुछ भी लेंगे, KMnO4 ऐड करेंगे, देन द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विल गेट कन्वर्टेड इनटू COOH, ठीक है, और कुछ नहीं करना है बेटा आपको। क्या याद रखना है, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू COOH। KMnO4 डालेंगे तो कार्बन विच इज, यहां पर आप लिख भी सकते हैं इस पॉइंट को, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू COOH। कितने भी कार्बन लगे हो सबको आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है, COOH। केवल इसमें एक कंडीशन, एक कंडीशन इसमें, क्या कंडीशन है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 H, ठीक है। तो हमारे लिए अगर उस पर कोई H नहीं है तो नो ऑक्सीडेशन लिख देंगे। कॉपी कर लो बेटा, KMnO4, K2Cr2O7, जो भी देगा यही प्रोसेस करेंगे हम लोग।
सर वो आप ये लास्ट स्टेटमेंट क्या बोले थे? The carbon atom which is connected to benzene gets converted into COOH. Thanks, sir. Should I change the page? Seven. Done, sir. Get the answer. Done? Yes, sir. Yes, sir. देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब बहुत आसान है। जितना भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा केवल उसमें देखना एक एच है कि नहीं है, उस पार्ट को आप COH बना दो। ये एक स्पेशल कंपाउंड है, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। यस सर। यहां पर भी दोनों कार्बन COH बन जाएंगे, मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के, आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं इसको। अगर आप नॉमनक्लेचर देखेंगे तो ये सब मैंने आपको शीट के फॉर्म में दिया हुआ था, बेंजीनेट्स कंपाउंड के मैंने एक शीट दी थी। हाँ सर, लिख लो बेटा जिसे नहीं आया। हटा दे बेटा इसको। यस सर। नो सर, उसका नाम नहीं दिख रहा है।
थैंक सर. Get the answer. ये hot KMNO 4 है यहाँ सब. Done? Just a minute. Yes, sir. Done. चल देखो डिस्कशन कर लेते हैं इसका. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनबीएस बेटा? द ब्रोमिनेशन. हाँ, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन. यस सर. तो बस आपके पास ये पोजीशन है, वन इक्विवेलेंट दिया. यहाँ पर आपने बीआर लगा दिया, फिर एल्कोहलिक की ओएच क्या करेगा बेटा? डिहाइड्रेशन. E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन. फिर KMnO4 डाल दिया, अभी क्या करोगे? द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विल गेट कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड. और कुछ करना ही नहीं आपको. यस सर. चेक कर लो आस पड़ोस में बेटा अकोला, कितने स्टूडेंट्स को ये आया? एक ही बच्चे को आया? बहुत बच्चों को.
डन सर। हटा दें बेटा इसको। ओके हो गया। चलो अब इसमें लिखिएगा अनदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन मेनली टोलुइन पढ़ते हैं बेटा इसमें, एल्काइल बेंजीन विद CrO2Cl2, इसको क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं बेटा। इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। गाइस जैसे मैंने ये टोलुइन लिया और इसमें आपने डाल दिया CrO2Cl2, ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोसेस होता है वाया कॉम्प्लेक्स, अगर हाइड्रोलिसिस दिखा देंगे तो CHO। अब इसमें क्या है, कई बार केवल यही लिखा होता है, इट्स ओके, प्रोसेस हमको वही मतलब प्रोडक्ट आपको वही बनाकर दिखाना है, बेंजल्डिहाइड इसमें बन रहा है, ठीक है। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है ना, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, सॉल्ट एनालिसिस इसको बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कह रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, तो उसमें सीएल माइनस रेडिकल का टेस्ट पढ़ाएंगे। पढ़ाया क्या बेटा? सर शुरू हो गया, अभी नहीं आया ना, बस शुरू हो गया। अच्छा, तो उसमें सीएल माइनस जो रेडिकल है ना उसका टेस्ट करेंगे, तो NaCl आपको सॉल्ट दिया होगा, उसमें K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये आप ऐड करते हो, है ना, ये सॉल्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें अगर आपके पास रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होती है, बाद में इसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं, ये जो ये रेडिश ब्राउन गैस है ये कंफर्म, ये इंडिकेट करता है कि योर सॉल्ट इज हैविंग व्हाट रेडिकल, सीएल माइनस। सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट, हम मैंने केवल ये इसलिए बता दिया बिकॉज हम CrO2Cl2 यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पर्पज के लिए, तो अपना तो केवल ऑर्गेनिक में ये वाला पार्ट है, बट याद रखना कि भाई वो ऐसा नहीं देता ना कि ऑर्गेनिक सेपरेट क्वेश्चन हो और इनऑर्गेनिक सेपरेट हो, वो मिक्स करके देगा आपको कंबाइंड वे में, इसलिए आप वो भी लिख लो बेटा। यस सर, तो इटार्ड रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन का नाम है, इटार्ड रिएक्शन रिएक्शन का नाम है बेटा। Thank you.
थैंक्स सर। रिमूव कर दें इसको। यस सर। गाइस ये एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी हमने फिनिश कर लिया। एल्काइल बेंजीन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था बेटा दो टाइप की रिएक्शंस हैं। एक एल्काइल पार्ट की वजह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें NBS या फिर आप SO2, CL2 या फिर क्लोरीनेशन एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो सब है। और बेंजीन की रिएक्शंस कैसी है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो सारा डिस्कशन अब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने परहैप्स दिया था आपको, आप रिकॉल करो बेटा, चेक करो नोट्स में, ये हम लोगों ने बनाया था क्या? देखो क्वेश्चन दिया था ना जिसमें ये बना होगा। हाँ, तो हमने एक्चुअली प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है किसकी, क्या है ये? नैप्थलीन है बेटा ये। ये नैप्थलीन है। नैप्थलीन के तीन प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब यूसी में हमने डिस्कशन किया है, आप नोट्स रिफर कर सकते हैं। अभी हम लोग कंसर्न है रिएक्शन को लेके, तो अब हम लोग लिखेंगे बेटा रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन, रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन, रिएक्शंस ऑफ नैप्थलीन। देखो रिएक्शंस में कोई बड़ी बात नहीं है, रिएक्शंस तो बहुत आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि ये है क्या, ये भी तो बेंजीन रिंग है। बताइए बेंजीन रिंग में कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? यस सर। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, जो बड़ी बात है वो ये है कि आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। ये एग्जाम हॉल में बैठ के आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, ये अपने आपको पहले से लिख कर रखनी है ये सब नंबरिंग। तो इसमें ये जो 1 और 4 और 5th और 8th पोजीशन है इनको कहते हैं अल्फा पोजीशन। 2, 3, 6, 7 क्या पोजीशन है बेटा? बीटा, बीटा पोजीशन। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है बेटा पूरी? यस सर, दिख रही है सर। हाँ, सो नैप्थलीन की पोजीशंस आपको एक बार जब पता चल गई, तो रिएक्शंस के लिए हम बोलते हैं बेटा कि जो अल्फा पोजीशन है ना ये एक्टिवेटेड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन बेटा एक्टिवेटेड पोजीशन है? अल्फा पोजीशन। पोजीशन, सो इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर्स टू अटैक वेयर? अल्फा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल prefers to attack, prefers to attack alpha position। ठीक है, और अगर आप इसको proper way में explain करना चाहते हो तो आप alpha position पे attack करा दो, अल्फा पोजीशन पे अटैक करा दो, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दो तो बगल में कार्बोकैटायन आ जाएगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, राइट? तो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिख देंगे कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट अल्फा पोजीशन आर मोर स्टेबल देन एनी अदर अटैक। यानी अगर अटैक बीटा पोजीशन पे होता है उससे जो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, वो उतना स्टेबिलिटी वाले नहीं होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बात समझ में आई बड़ा? यस सर। लिख लो इसको।
क्या बेटा? नहीं नहीं वो तो मैंने केवल तीन वो एरो बनाए, आप बनाकर देखोगे तो पता चलेगा। इतना डिपेंडेंट मत हो बेटा मेरे ऊपर, आपको ड्रॉ करना है खुद। वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया कि हाँ सर ये बीच के कार्बन एटम्स में नंबरिंग क्यों नहीं की? क्या बेटा? नहीं नहीं वो हम उसकी बात नहीं करते हैं एक्चुअली, तो नंबरिंग जैसा लिखा है वैसे ही आप उसको फॉलो करना, ठीक है? ओके सर। क्योंकि वहाँ कुछ कर नहीं सकते ना, ऑलरेडी चारों के बैलेंसेस सेटिस्फाइड है। हाँ सर, यस सर। तो उसमें हाँ, तो उसमें ना तो कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसके नंबर की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है सर, ओके। Done? Yes, sir. Done, sir. पहले इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कर लेते हैं। देखो अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अपने को ये क्लियर है कि अल्फा पोजीशन इसके एक्टिवेटेड है, ठीक है? तो अगर अल्फा पोजीशन को ब्लॉक कर दोगे तो बीटा पे जाएगा। अब मान लीजिए इसका क्लोरीनेशन करते हो आप, ठीक है? तो किस पोजीशन पे हम सीएल लगा देंगे बेटा? अल्फा पोजीशन हो गया। अब इसका मान लीजिए नाइट्रेशन करते हैं आप, NO2 लगेगा, किस पोजीशन पे लगा देंगे? अल्फा पोजीशन पे लगा देंगे, ठीक है? जो इसमें डिफिकल्टी आती है वो आती है जब हम सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में इट हैज बीन फाउंड दैट इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट यू नो 80 डिग्री सेल्सियस देन SO3H गेट्स कनेक्टेड एट अल्फा पोजिशन, बट इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट 160 डिग्री सेल्सियस देन SO3H गेट्स कनेक्टेड बीटा पोजीशन। तो ये अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो सल्फोनेशन के साथ ये प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी। अब इसमें एक एसाइलेशन के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए कि एसाइलेशन आपने कराया बट नॉर्मल जैसा आप कराते हो, जैसे CS2 सॉल्वेंट हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये आपका जो RCOCl है तो ये COR ऐसा अल्फा पोजीशन पे कनेक्ट होगा। फिर एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि इफ RCOCl इज इन अ स्पेशल सॉल्वेंट नाइट्रोबेंजीन, तो ये जो हमारा एसाइलेशन है ये बीटा पोजीशन पे हो जाता है। यस, कॉपी कर लो बेटा, ये सब किया नहीं था हमने पहले कभी।
हो गया बेटा? यस सर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद विल स्टार्ट एल्काइल हैलाइड्स। यस सर। कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा, जैसे ऑक्सीडेशन इन V2O5, तो ये बना देता है हेलिक एनहाइड्राइड। हेलिक एनहाइड्राइड बना देता है। जैसे अगर बेंजीन का आप रिकॉल करिए ऑक्सीडेशन, तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया था, सेम स्टाइल यूज की थी उसमें, और वहां क्या बन रहा था बेटा, क्या बन रहा था, इसके अलावा इसमें CrO3 डाल देंगे अगर हम लोग, ऐसा बनता है इसको 1,4 नैप्था क्यूनोन कहते हैं। One four naphtha quinone. ये ऑक्सीडेशन है। अभी इसमें रिडक्शन H2 कैटलिस्ट अगर लिया हमने, तो एक बड़ा स्पेशल कंपाउंड बनता है, याद करके बताओगे ये क्या है? दिस इज डेक्कालिन। और अगर तुम लोग रिकॉल करो तो डेक्कालिन के लिए स्पेशली हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है? तो यहां पर आप लिख लेना, चेक स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर याद है तो अच्छी बात है,
नहीं तो आप वीडियो देखो, मैंने एक स्पेशली इसके लिए वीडियो डाला हुआ है डेक्कालिन के लिए, उसको चेक कर सकते हो। डेक्कालिन के लिए सिस फॉर्म ड्रॉ करना है, ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है, फिर उसमें की स्टीरियो केमिस्ट्री इन द सेंस ऑप्टिकल वाला पार्ट चेक करना है, तो आपको मिलेगा चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस। ठीक है, चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस। तो चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस के थ्रू वो ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज करता है, चेक करना बेटा सिस डेक्कालिन। ठीक है, इसके अलावा सोडियम के साथ रिडक्शन, सोडियम इन C2H5OH, तो ये कुछ ऐसा बनता है, सोडियम इन C5H11OH, तो ये कुछ ऐसा बनता है, इसको टेट्रालिन कहते हैं। सब निकल गया बेटा। कॉपी हो गया, अकोला स्टूडेंट्स
सर यस बेटा सर वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ तो मैंने अभी कुछ आगे नहीं कराया बेटा। यस सर वो यस लगी नहीं हुई थी। कॉपी कर लो, ये रिएक्शंस हैं बेटा नैप्थलीन की। अगर ये हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर वन मिनट। बेटा चेक स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है हम लोगों ने इसको पहले से पढ़ रखा है तो अपने नोट्स में चेक कर सकते हो, या फिर आप अगर देखोगे तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ था स्पेशली फॉर दिस टेकली, हाफ एन आवर का है, उसमें मैंने स्पेशली इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री सिस ट्रांस और उसके बाद इसमें चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस के थ्रू कैसे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रूव करते हैं वो दिखाया था। ठीक है चल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं फिर देखते हैं। ये कॉपी कर लिया है? हाँ सर भेज सकते हैं। हाँ भेज दूंगा। चलो ये कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, थोड़ा बहुत उसको कवर कर लेंगे। देखो पैराग्राफ पहले आप लिखो एक, ठीक है बोला जाए। नैप्थलीन कैन गेट रिड्यूस्ड By chemical reducing agents like sodium in alcohol. The temperature at which sodium reductions are carried out is boiling point of alcohol used.
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल यूज्ड, ऑल्दो ये अपने को पहले से पता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, बट ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो इसी फॉर्म में इसको लिख लो. सोडियम, यहां पर मैं लिख रहा हूं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. फिर यहां पर सोडियम इथाइल एल्कोहल. यू हैव टू राइट हियर पी हियर क्यू एंड पी एंड क्यू दोनों में आपने एच टू कैटेलिस्ट, तो ये बन गया आपका R प्लस एस. ठीक है, क्वेश्चन में पहला है व्हाट इज पी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा आपको दे देता हूं. हो सकता है आपको ये डायरेक्टली आपके एग्जाम एडवांस एग्जाम में मिल जाए. फिर दूसरा क्वेश्चन यहां पर व्हाट इज क्यू, तो ऑप्शंस सेम रख देना, तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में लिखिएगा बेटा रैपिड हाइड्रोजनेशन ऑफ पी ओवर अ प्लैटिनम कैटेलिस्ट रैपिड हाइड्रोजनेशन ऑफ पी ओवर प्लैटिनम ब्लैक कैटेलिस्ट एट लो टेम्परेचर गिव्स आर. आर आर इज ये आप ऑप्शंस लिख देना बेटा. और फिर फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप तैयार हैं बोलूं? नहीं सर, आप मैं मेरे क्वेश्चंस लिख लो, फिर जो जो चीजें स्क्रीन पे है वो आप कॉपी करते रहना. ठीक है, लिखो. फोर्थ क्वेश्चन में लिखिएगा स्लो हाइड्रोजनेशन ऑफ पी ओवर निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर गिव्स एस, और उसके भी ऑप्शंस सेम है. स्लो हाइड्रोजनेशन ऑफ पी ओवर निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर गिव्स एस, एस इज, ऐसा करके लिखेगा और ऑप्शंस आर सेम. ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका लिखिएगा Based on the above two questions, which of the following statements, is incorrect? About stereoisomers R and S.
लिखिएगा एस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ऑप्शन बी आर हैज टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर हैज टू फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑप्शन सी आर इज अ काइरल मॉलिक्यूल R is a chiral molecule. But chirality is cancelled through chair flipping process. Chirality is cancelled through chair flipping process. Next. Option D. S does not have a plane of symmetry. S does not have a plane of symmetry. Char options likh liye beta. Yes, sir. Okay. Ab bolo beta, kaun sa screen dikha de? Ye wala?
हो गया बेटा, डिस्कशन करें। डिस्कशन करें बेटा। यस सर, यस सर। चलो अब इसमें देखो, शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही आसान है, सीधे सीधे। व्हाट इज पी? तो पी और पी के लिए क्या होगा बेटा बताइए? आइसोपेन। अच्छा, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर प्रोपाइल लिख दिया, दिस इज पेंटाइल। हाँ, डेटा मैंने पहले ही आपको दे रखा है, बट ये पेंटाइल है अपना। दो ही आंसर कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो आइसो पेंटाइल वाले में कौन सा आंसर है बेटा बताइए? राइट ना? तो पी पता चल गया, फिर सॉरी कहाँ गया, अच्छा ऑप्शन तो इसी में है। सेकंड क्वेश्चन वाले में ऑप्शन तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा बेटा? सर ए। ए, चलो ये दो हो गए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट। यस सर। इसमें कहता है रैपिड हाइड्रोजनेशन ऑफ पी ओवर अ प्लैटिनम ब्लैक कैटलिस्ट लो टेम्परेचर, यानी कि ये काइनेटिकली डील करना चाहता है, राइट?
कौन सा बनेगा बेटा? गेस करिए। थर्मोडाइनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर? सिस फॉर्म की ट्रांसफॉर्म? देखो किसमें ज्यादा जो है ग्रुप जो है ज्यादा इक्विटोरियल किसमें नजर आ रहा है? ट्रांस में। इधर से भी इक्विटोरियल 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 इक्विटोरियल, दैट मींस ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन यहां पर। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो कौन बनेगा? ट्रांस। तो किसमें हाई टेम्परेचर दिया है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन में कि थर्ड क्वेश्चन में? फोर्थ क्वेश्चन में। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? क्या समझ में आई थोड़ी बहुत बातें बेटा? देखो डिजाइन वाइज डायग्राम वाइज वो टफ हो सकता है, लेकिन अगर ठीक से इसको देख लोगे तो क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखे हुए थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है एस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो। ट्रू है। एस क्या है? ट्रांस है ना? फिर कहता है कि R has two fold rotational axis of symmetry, ये भी ट्रू है बेटा। ये जो R की बात कर रहे हैं ना, तो ये R हो गया अपना, ये S हो गया, तो ये टू फोल्ड एक्स इसमें रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप इसको घुमा दोगे तो ये इसी फॉर्म में जाएगा। मतलब इट्स लाइक कि एक एच तुम्हें इक्विटोरियल दिख रहा है, एक एच दिख रहा है एक्सियल, इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो फिर भी एक एच एक्सियल और एक इक्विटोरियल होगा। क्या समझ में आया? Yes, sir. तो इसको बोल देते हैं टू फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी ये भी ट्रू हो गया। Yes. चलो सी पॉइंट को देखो बेटा। सी पॉइंट को कहता है आर इज काइरल मॉलिक्यूल बट काइरलिटी इज कैंसल्ड। देखो डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे कि तुम ट्रांसफॉर्म को देखोगे और सिस फॉर्म को देखोगे, तो ट्रांसफॉर्म में क्लियरली आपको विजिबल होगा यहां पर कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिखाई देगी और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखाई देगी। क्या तुम देख पा रहे हो? यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम्हें दिखाई देगी बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर खड़े हो गए, इधर गए तो आपको पॉइंट नजर आएंगे, ये सब नजर आ रही, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखाई देगी बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री के उससे देखोगे तो तुम्हें पॉइंट वाइज सब प्लेन इसके अबाउट तुम्हें प्लेन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखता है। व्हाट आई एम सेइंग कि ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि इस पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है। ये एक स्पेशल केस है, इसी की बात कर रहा था मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्पेशल केस है, इसमें रिंग फ्लिप हो जाती है। जैसे एमाइन इन्वर्जन याद है? एमाइन इन्वर्जन, जिसके पास फोर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बट ये एमाइन इन्वर्जन होने की वजह से अपने मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ये सिस्टम हो जाता है इनएक्टिव। सेम मैनर में ये जो सिस फॉर्म है ये फ्लिप कर जाएगा तो अपने मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करने लगता है। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसकी वजह से है बेटा? रिंग फ्लिपिंग प्रोसेस, ठीक है? यस सर। चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस, आप उसको हाईलाइटेड वे में लिखिएगा, चेयर फ्लिपिंग प्रोसेस। वैसे तो ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये भी ट्रू हो गया। अब क्या बच गया? कहता है S does not have a plane of symmetry, तो ये false लिख दो, ठीक है? Yes sir. ज्यादातर टाइम हम B को S को जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री से एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो तो ये भी क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये सब हटा दें बेटा, कॉपी कर लिया, लिख लिया जो भी लिखना था।
या कर रहे हो? सर 2 मिनट बाकी है। ओके ओके 2 मिनट्स ले लो आप। इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो सिस फॉर्म है वो फॉर्म एक्टिव है बट वो अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेंटेन नहीं रख पाता क्योंकि ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही वो फ्लिप कर जाता है और अपने मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करता है। डन सर। सबने कर लिया बेटा? हाँ सर डन। अरे गाइस अब हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अब ये फाइनल पार्ट ही लगभग है, इसको लिख लो बेटा। इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन एंथ्रासीन ठीक है। पर रिंग देखेंगे तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है बेंजीन से, इसलिए बेंजीन ज्यादा अच्छा एरोमेटिक सिस्टम है, बट ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा है। इसी तरह फिनेंथ्रीन, तो फिनेंथ्रीन भी अपने को पता है। केवल आप इसमें नंबरिंग डालकर रखिए बेटा, क्योंकि रिएक्शन उसी के हिसाब से होगी, तो बी केयरफुल।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखो एक खास चीज आ रही है, सेंट्रल रिंग को 9 और 10 नंबर मिला, यही आपको एग्जाम हॉल तक ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाले में भी उसी तरह सोचेंगे बेटा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखो सेंट्रल रिंग को 9, 10 मिल रहा है। सो 9, 10 आर द स्पेशल पोजिशंस, राइट। सो व्हेन यू से हेडिंग यू राइट रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। हो गया, अब इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा कि रिएक्शंस टेक प्लेस एट पोजीशंस 9 और 10। रिएक्शंस मोस्टली टेक प्लेस एट पोजीशंस 9 और 10 ऐसा करके लिखिएगा। रिएक्शंस मोस्टली टेक प्लेस एट पोजीशंस 9 और 10। होता क्या है, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन आपको दिखाऊं, इसमें लेटर से आप इसको CrO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना वो आपको खुद एक आइडिया दे देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 9 और 10 पोजीशंस पे रिएक्शन हो रही है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपने इधर प्रोडक्ट बनाया है ना, इसमें देखोगे तो दो बेंजीन रिंग सेपरेट मिल रही है, राइट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होती है और सेपरेट बेंजीन रिंग होती है तो कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है, सेपरेट वाला। सेपरेट वाला, तो बस, तो पर आप यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, बाकी तो इसमें कोई खास रिएक्शंस का वो नहीं है बेटा। जैसे मान लीजिए कि आपको हेलोजिनेशन पूछेगा तो हेलोजिनेशन भी आप 9th पोजिशन पे करा दो, एक्सेस में लोगे तो दोनों में सीएल लगा सकते हो 9th और 10th पोजीशन पे। नाइट्रेशन कराएंगे इसी तरह से, नाइट्रेशन के लिए NO2 लगा देंगे, इसको जस्ट कॉपी कर लो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट जो आपको याद रखने वाला था वो यही था कि रिएक्शंस किस किस पोजीशन पे करानी है अपने को, 9 और 10 पोजिशन, बस। Thank you.
चलो अभी लिखो बेटा इसमें रिएक्शंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक फाइव मेंबर्ड रिंग या फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ऐसा करके लिख सकते हो। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हमने पहले से कर रखा है बेटा। दिस इज फ्यूरॉन इफ यू रिकॉल, दिस इज पायरोल, दिस इज थायोफिन, ये सब फाइव मेंबर्ड रिंग है बेटा। रेजोनेंस एनर्जी वगैरह सब हमने किया हुआ बेटा। इसका रेजोनेंस एनर्जी 16 होता है किलो कैलोरी पर मोल, इसका रेजोनेंस एनर्जी करीब 22 किलो कैलोरी पर मोल है, इसका रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल है। बेंजीन से कंपेयर करते हैं, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये सब हमने जीओसी में किया हुआ है। यहाँ पर अपना फोकस जो है वो रिएक्शंस के ऊपर है। तो इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा, हाँ बेटा सर, इसकी हेडिंग क्या थी? रिएक्शंस ऑफ फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। डन सर। ओके, नोट बोला जाए बड़ा। चलो नोट लिखो इसमें बड़ा, दीज रिंग्स आर या दीज रिंग्स रिजेंबल, ऐसा करके लिखो, दीज रिंग्स रिजेंबल हाईली एक्टिवेटेड, दीज रिंग्स रिजेंबल हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग लाइक फिनॉल। यानी कि ये जितनी भी रिएक्शन, इनकी रिएक्शंस हैं वो उस तरह की रिएक्शंस हैं जैसे फिनॉल रिएक्शन शो करता है। फिनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है बेटा? बिकॉज ऑक्सीजन हियर, बिकॉज OH इज व्हाट? एक्टिवेटिंग। OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हमने क्या लिखा, दीज रिंग्स रिजेंबल हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग लाइक फिनॉल। कितना लिख लिया? यस सर। सो दीज रिंग्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दीज रिंग्स आर मोर रिएक्टिव, दीज रिंग्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बड़ा एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब आप चूज कर लोगे। हाँ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यस सर। ठीक है। अब इसमें रिएक्शंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो नंबरिंग कर देते हैं बेटा। तो हेट्रो एटम को वन बोलते हैं, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, सब जगह यही करना होता है।
अब याद रखने वाली बात क्या है बड़ा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है सेकंड पोजीशन पे। इन ऑल केसेस इलेक्ट्रोफाइल हियर अटैक्स वेयर, सेकंड पोजीशन। बट ध्यान से देखना सेकंड पोजीशन है कौन सी। यस डन सर। चल अब इसमें कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिखानी है, जैसे आपने मान लीजिए NH पिक कर लिया है ना ऐसा, और इसमें आपने क्लोरीनेशन दिखाया, तो सीधे कहां पर लगा देंगे बेटा, सेकंड पोजीशन पे सीएल लगा देंगे। एक्सेस में डालेंगे तो दोनों तरफ लगा देंगे, सेकंड मतलब सेकंड और ये फिफ्थ, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रेशन मान लीजिए आपने दिखाया तो NO2 ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब जो भी मतलब इसमें चीजें दिखाना चाहें आप, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आपको बता देते हैं, इससे बेटर है कि वो आपको, इसमें एक चीज याद रखना बेटा कि जो फिनॉल होता है ना, हम लोग बेंजीन की कितनी रिएक्शंस को याद रखते हैं, पांच, ठीक है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। लेकिन जब आप फिनॉल में जाओगे ना, तो फिनॉल में उसके अलावा भी रिएक्शंस मिलेंगी। एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है फिनॉल की, अ पॉपुलर रिएक्शन ऑफ फिनॉल जिसको बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि हमको यहाँ CHCl3 लेना होता है along with KOH या NaOH। तो हमने ये एक्चुअली में सेम रिएजेंट पहले भी पढ़ा हुआ है, सेम रिएजेंट कहाँ पर पढ़ा हुआ है, कार्बीन एडिशन टू एल्कीन में। तो ये जो CHCl3 है ना, CHCl3 KOH की प्रेजेंस में दे देता है आपको डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस बेंजीन रिंग पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे बिकॉज OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि CCl2 यहां पर अटैक कराया आपने, अब CCl2 जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद बिकॉज OH- प्रेजेंट है तो हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है, दो Cl दो OH से रिप्लेस हो जाते हैं। हाँ, सो आई वाज सेइंग दो Cl दो OH से रिप्लेस हो जाते हैं, तो दो OH से जब रिप्लेस होंगे तो सेम कार्बन के नॉट होल्ड टू OH, एक H2O बाहर कर दो, तो एंड प्रोडक्ट इसका CHO बन जाता है। मैं कोई बहुत डिटेलिंग आपको अभी नहीं बता रहा हूं, केवल मुझे ये बताना है कि ये CHO कनेक्ट होता है जब ये रिएजेंट डालते हैं, बट ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब ये बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग हो। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई। Yes, sir. ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, सैलिसिलाइड इसको कहते हैं, फ्यूचर में पढ़ने वाले हम लोग इसको। पॉइंट ये है कि अगर मैं इसमें सेम रिएजेंट डाल दूं CHCl3 plus KOH
तो मुझे वही प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा, वही मतलब CHO कनेक्टेड। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे फिनॉल है ना, फिनॉल की खास बात क्या है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन तुमने जो है वो ब्रोमीन से कराई, लेटर से, है ना, ये पकड़ा तुमने और यहां पर इसकी रिएक्शन Br2 से करा दी, अगर बाय चांस वाटर तुमने यहां पर ले लिया तो होता क्या है कि फिनॉल वाटर में जो है वो डिसोसिएट कर जाता है, O- आ जाता है, इससे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेंजीन के पास जितने भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस हैं सब जगह Br आ जाता है, ऐसा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, हम फिनॉल में पढ़ेंगे आगे चलकर रिएक्शन। लेकिन अगर आपको एक ही जगह Br चाहिए तो आपको ये H2 हटाकर कुछ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, इससे क्या होगा, ये डिसोसिएट नहीं करेगा, O- नहीं बनेगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एक ही पोजीशन पे आना है, Br जो है बल्की ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे आ जाता है। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया ये दिखाने के लिए कि इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती, तो कहीं पर आपको 2 Cl इस तरह से दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब इसमें लेकिन एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो आपको पायरोल दिख रहा है ना, इसमें यहां पर ये जो H है ना, ये एसिडिक H है, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. तो बेस की प्रेजेंस में होता क्या है कि ये एसिडिक H हट जाता है, बिकॉज KOH प्रेजेंट है, राइट? तो अगर ज्यादा टाइम के लिए लगा देंगे उसको तो H हटा लेगा वो। और ये जो CHCl3 है, ये CCl2 कार्बिन एडिशन टू एल्कीन भी हो तो होता है, कार्बिन एडिशन टू एल्कीन, यहां नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, ये तो रीमर टीमन रिएक्शन है, ये तो रीमर टीमन रिएक्शन है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि डबल बॉन्ड पे कार्बिन ऐड हो गया ऐसे, यानी कि ये रिएक्शन भी हमें याद रखनी है कि आपका ये रीमर टीमन रिएक्शन हो सकता है, CHO कनेक्ट हो जाए सेकेंड पोजीशन पे, या अनदर पॉसिबिलिटी इज कि CCl2 कहां ऐड हो जाए बेटा, डबल बॉन्ड पे। क्या आप समझ पा रहे हो? आप डबल बॉन्ड पे जब वो ऐड हो गया, ऐसा प्रोडक्ट बन गया, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ये ट्रायंगल जो है स्ट्रेन्ड है, तो अगर इसको चांस मिलेगा तो ये ब्रेक कर लेगा अपने आप को। इसको चांस मिला, कैसा चांस मिला, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है उस डायरेक्शन में, ये रिंग ब्रेक हुई, कार्बन के नॉट बी पेंटावेलेंट, ये Cl लीव कर गया। अब ये जो मैंने आरोज दिखाए ना, इसको बस डिजाइन बना दो, एक नया कंपाउंड तुम्हें अच्छा सा दिखेगा, देखना आप सब, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, मैंने सच बनाया, फिर इधर नाइट्रोजन दिख रहा है, इसके बाद यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए ना तो डबल बॉन्ड आएगा, पर आप सबको समझ में आया। फिर इसके आगे जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड पे कुछ नहीं हुआ, ये बॉन्ड पेयर मैंने इसको दिए ना, ऐसा यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, फिर इसी कार्बन से Cl है, इसको ध्यान से देखो तो ये आपका क्लोरोपाइरिडीन बन गया, 1 2 3 क्लोरोपाइरिडीन हो गया ये। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो ये जो आपका पायरोल है, ये रीमर टीमन रिएक्शन और ये प्रोडक्ट दोनों देता है, इसको कॉपी कर लो बेटा। हाँ सर। Yes, sir.
हो गया, हटा दें इसको। ये अच्छे से लिख लिया बेटा ये वाला पार्ट।
पढ़ा दें इसको ओके यस सर डन ये जो ब्रोमिनेशन मैंने लिखा बेटा ये वैसे फिनॉल में पढ़ेंगे बट ये इतना स्ट्रॉन्ग है ऊपर वाला कि अगर कोई यू नो ग्रुप्स हैं जैसे COH है SO3H है कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनको भी ये रिप्लेस कर देता है Br इट्स लाइक कि अगर यहाँ COH लगा होता ना तो वो CO2 के फॉर्म में हट जाता और Br यहाँ कनेक्ट हो जाता ये कहीं और नहीं हो रहा है जब रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है जो बेंजीन रिंग है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है तो ऐसा हो रहा है Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आप दो बेटा Get the answer. डिस्कशन कर लें बेटा देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसकी खास बात क्या है कि आप इसमें जैसे ये बेस दे दे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं ये अपना क्या देगा बेटा हमें डाइक्लोरोकार्बिन देगा अब डाइक्लोरोकार्बिन मिल गया एडिशन भी कर देंगे एक और खास बात है बेटा यहाँ जो ये CH2 है ना दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक कैसे पता चला आप उस H को निकाल दो आप नेगेटिव चार्ज देखो क्या कोई स्पेशल चीज है इसमें हाँ निगेटिव चार्ज रिजल्ट इसमें जा रहा है और ये एरोमेटिक बन गया दैट मीन्स दिस एच इज हाईली एसिडिक अब इसमें CCl2 आ गया पिक्चर में ठीक
एडिशन करा दो, ये सब साथ में ही हो रहा था। अब क्या होगा, सेम मैनर, यू कैन रिकॉल द कॉन्सेप्ट, सेम मैनर जैसे अभी हमने पायरोल में किया था, सेम वे में यहां पर इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन। कोई कंफ्यूजन? यही किया है, सबने कॉपी कर लिया बेटा? चल अभी लिखिएगा रिएक्शंस ऑफ सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड देखो बहुत सिंपल है बेटा, सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कौन सा एग्जांपल है बेटा अपने सिलेबस में? पाइरिडीन, am I correct? Yes, sir. तो इसके लिए नोट लिखिएगा कि दिस इज या दिस रिजेंबल्स, ऐसा करके लिखिएगा, दिस रिजेंबल्स हाईली डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, दिस रिजेंबल्स highly deactivated benzene ring like nitrobenzene
तो फिर से वही क्वेश्चन उस तरह का आ सकता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सो वी विल नॉट चूज दिस कंपाउंड। आप ये क्लियरली हाईलाइट कर लीजिए बेटा कि पाइरिडीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, पाइरिडीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे मैच करती है? नाइट्रोबेंजीन से। Less reactive than benzene towards electrophilic aromatic substitution. ये nucleophilic reactions भी देता है, but हमें केवल electrophilic पे focus करना है। Numbering कर देता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी खास बात ये attack third position पे होता है। लिख लीजिएगा और सबका explanation एक ही स्टाइल से देना है, attack करा देना है, intermediate बनाना है, intermediate more stable, इसीलिए यहाँ पर attack हो रहा है। चलो ये भी खत्म हो गया। अब इसमें कोई भी रिएक्शन कराते तो बेटा थर्ड पोजीशन पे ही जाता। गाइस तो हमने कंप्लीट कर लिया ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हमने और भी कंपाउंड्स देखे इसमें, बट मेनली जो बात करनी थी वो थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, वो हमने फिनिश कर ली। इसके अलावा आप बहुत सारे दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे आप इथीन कनेक्ट कर दो, है ना। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर मालूम है बेटा? यस सर, पता है, आपने ब्रोकर के दिया था। ये अब इस जैसे मान लो ये दिया हुआ है, इस कंपाउंड ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बट इसके अंदर दो हिस्से हैं। कौन कौन सा हिस्सा है बेटा? एक एल्केन है और एक हाइड्रोजन है। हाँ, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ये हिस्सा कौन सा रिएक्शन देगा बेटा? एडिशन रिएक्शन देगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो डिपेंड करता है कि क्या रिएजेंट ऐड किया गया है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरे ख्याल से ये सब आप आराम से इसको कर पाओगे। ये भी हो गया। अब चलो सो ये हो गया, तो इसके बाद हम लोग सीधे स्टार्ट कर देंगे एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है।